सबसे पहले जानते हैं कि शनि को प्रसन्न करने के उपाय क्या हैं। ऐसा क्या करें कि शनि की जो बुरी स्थिति है वो ठीक हो जाए और शनि प्रसन्न हो जाए। देखिए, शनिदेव को प्रसन्न करने की तीन विधियां हैं। एक है आचरण से, दूसरा है रत्न से और तीसरा है मंत्र से। आचरण की अगर बात करें तो अपनी आहार को ठीक रखें, अपने व्यवहार को, अपने विचार को ठीक रखें और दान करें। रत्न में जलीय जैसे मोती या ओपल या वायु तत्व जैसे नीलम, इनको धारण करना अच्छा होता है, सलाह लेकर के आप पहन सकते हैं। लेकिन मंत्र जप करने का जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीका है। ऐसा करने से शनिदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। अलग अलग समस्याओं के निवारण के लिए शनिदेव के अलग अलग मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगर शुद्ध आचरण के साथ मंत्रों का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से शनि की पीड़ा दूर होती है और इसके परिणाम बड़े सुंदर होते हैं। शनि के लिए अगर आप मंत्र जपेंगे तो उसका तरीका क्या होगा, कैसे जपेंगे, शनि के लिए कब मंत्र जपना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, कौन सी ऐसी स्थिति है जब शनि के लिए मंत्र जरूर जपना चाहिए। जब शनि की वजह से दुर्घटनाओं के या प्राण के संकट के योग बन गए हों तो शनि का मंत्र जपना चाहिए। जब शनि के कारण कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ रहा हो तो भी शनि का मंत्र जपना चाहिए। जब अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा हो तो भी शनि का मंत्र जपना चाहिए। और जब शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही हो तो भी शनि का मंत्र जपना चाहिए। शनिदेव के लिए जब आप मंत्रों का जप करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा, उसका सिस्टम क्या होगा। देखिए, शनिदेव के मंत्रों का जप कोई भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है। शनिदेव के मंत्र का जप पूरब या पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके करना चाहिए। वैसे ज्यादा बेहतर होगा कि पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके शनि के मंत्रों का जप करें। जप का सही समय संध्या काल का होगा या मध्य रात्रि का होगा, शाम को या मिडनाइट में अगर शनि का मंत्र जपें तो ज्यादा बढ़िया होगा। रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि घर में शनि का चित्र न लगाएं, बेहतर होगा कि उनको मानसिक रूप से याद करके मंत्र का जप किया जाए। मंत्र जप करने के पहले अपने गुरु या भगवान शिव को अवश्य याद करें, तब मंत्र का जप करें। कोई भी गृहस्थ व्यक्ति काले रंग के वस्त्र धारण करके मंत्र का जप ना करे। सामान्य रूप से सफेद कपड़े या आसमानी या नीले रंग के कपड़े पहन करके शनि का मंत्र जप सकते हैं। अब जानते हैं कि शनि के अलग अलग मंत्र कौन से हैं और उनका प्रयोग क्या है। शनिदेव का जो बीज मंत्र है वो है शं, श और उस पर बिंदु, शं। इसको लिख करके अपने पास रख सकते हैं या काम करने की जगह पर लगा सकते हैं। शनिदेव का जो वैदिक मंत्र है, सरल मंत्र है, वो है ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। सामान्य रूप से इस मंत्र का जप रोज शाम को करना चाहिए। अगर आप इस मंत्र का जप नियमित रूप से करें तो इससे शनि नाराज नहीं होंगे और शनि की बुरी दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। अब जानते हैं शनिदेव के तांत्रिक मंत्र के बारे में। तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। शनि की दशाओं में इस मंत्र का जप करना बहुत अच्छा होगा। अगर शनि की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो इस मंत्र का जप करने से शनि की दशाएं लाभकारी हो जाती हैं। अब जानते हैं शनिदेव का पौराणिक मंत्र। पौराणिक मंत्र है
नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ये शनिदेव का ध्यान मंत्र है। शनि संबंधी किसी भी पूजा को शुरू करने के पहले इसको पढ़ लेना चाहिए, ये जप करने का मंत्र नहीं है। अब जानते हैं शनिदेव का सर्वाधिक ताकतवर मंत्र कौन सा है। सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्ष शिव प्रिय। सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्ष शिव प्रिय मंदचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम हर तुमे शनि। मंदचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम हर तुमे शनि। साढ़े साती और ढैया अगर आपकी चल रही है या शनि आपको बहुत पीड़ा दे रहे हैं, बहुत मुश्किल पैदा कर रहे हैं, तो इस मंत्र का जप लगातार 108 दिन तक करना चाहिए। रोज शाम को 108 बार शनि संबंधी तमाम पीड़ाएं, तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी।